दोस्तों, सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लगभग आधा प्रतिशत की तेजी। और इसके पीछे वजह है आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है अच्छी खासी। पिछले दो चार दिन से जहां पे खरीदारी नहीं हो रही थी, लेकिन आज से फिर से खरीदारी शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि अब सुजलोन फिर से तेजी से आगे जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजार में आज गिरावट थी। BSE सेंसेक्स 59,934 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 412 पॉइंट की गिरावट थी। 0.68% गिरा BSE सेंसेक्स, और कल भी लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट थी। तो पिछले दो दिन से क्लोजिंग नेगेटिव रह रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी एनर्जी में आज लगभग 0.25% की तेजी थी। सुजलोन की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 9.25 पर हुई, लो बना 9 का और हाई है 9.40 का। अंत में क्लोजिंग 9.20 पर रही, जहाँ पे 0.55% की तेजी थी, लगभग आधा प्रतिशत की तेजी। लेकिन सुजलोन की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि इसकी प्राइस 1.85 पर थी 27 मार्च 2020 को। कोरोना काल आया था जब पूरा बाजार ही क्रैश कर गया था, सारे के सारे शेयर नीचे आए थे, ये भी 1 रुपये पे आ गया था। लेकिन वहाँ से जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, 1-1.5 साल में ही 13 तक चला गया था। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन फिर करेक्शन भी हुआ। लेकिन अब स्टॉक में मजबूती फिर से आ गई, 6 रुपये का लो टच करके ये 9 तक आ चुका है। अब ये नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 6.50 की प्राइस थी, आप देख सकते हो 16 सितंबर 2021 को। उस हिसाब से 41% का अच्छा खासा रिटर्न अभी भी मिल रहा है जिसने भी 1 साल पहले निवेश किया है। अगर हम इसकी पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिखाई देगा करीब 8% का, क्योंकि 10 की प्राइस थी 6 महीने पहले। तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया वापस, लेकिन पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे 19.48% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। जिसने भी 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि 7.70 की प्राइस थी यहाँ पे 16 अगस्त को। अब यहाँ पे वापस किसी ने अगर 5 दिन पहले निवेश किया तो उसको करीब 10% का लॉस हो रहा है, क्योंकि 10.15 की प्राइस थी 9 सितंबर को। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से एक ही दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी ये सीमित दायरा तोड़ के जैसे ही 10 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो NIF के MD CEO सुजय बोस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। और उनका कहना है कि इंडिया अगर 2030 तक अपनी ग्रीन एनर्जी का जो गोल है वो उसको अचीव करना चाहता है तो उसको कम से कम $560 बिलियन का बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लाना होगा, तभी ये उस गोल को अचीव कर सकते। अब उन्होंने इसका अलग से खाका बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के MD सुजय बोस की तरफ से कहा गया है कि अगर हमें 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक तो उसके करीब $200 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए $160 बिलियन की और निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा EV व्हीकल के लिए $200 बिलियन का निवेश चाहिए। तो ये कुल मिला के जो निवेश है टोटल, ये $560 बिलियन का निवेश निकल के आ रहा है। इतना पैसा अगर लगाएंगे तो फिर आप समझ सकते हो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। सुजय बोस की तरफ से कहा गया है कि ये जो गोल सरकार ने अपना सेट किया है ये सिर्फ इन्वायरमेंटली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ सकता है आने वाले समय में। और एक तरह से देखें तो टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है इंडिया धीरे धीरे, और जिस तरह से चाइना पीछे अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, इंडिया के प्रति सबकी होप जगी है। विश्व की बड़ी बड़ी कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है, ऐसे में इस गोल को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस गोल को अचीव भी करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के दम पे यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा, ऐसे में पोल्यूशन के बढ़ने की भी संभावना होगी। तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो धीरे धीरे करके एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए ये बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आना होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के अलावा बाहर से आ सकता है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास से निवेश लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने को तैयार है। तो एक पॉलिसी बनानी होगी जिसके तहत बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये एक जॉब क्रिएट करने का भी मामला बनेगा, बहुत सारे जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये बयान उन्होंने FICCI कैपिटल मार्केट के कॉन्फ्रेंस के एनुअल फंक्शन में दिया है, जहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार को जल्द से जल्द इस गोल को अचीव करने के लिए इतने बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। वैसे फिलहाल सरकार ने 40% ग्रीन एनर्जी के अपने टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन इसको सरकार चाहती है कि 60% तक लेके जाना है आने वाले 10 सालों में, और इसके लिए कम से कम $200 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि सरकार तो अपनी तरफ से सारी की सारी कोशिश कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें हिस्सा लेना होगा, साथ में बाहर से भी बहुत सारे इन्वेस्टर जिनको आना होगा,
तभी ये मौका है कि ये टारगेट पूरा हो सकता है। फिलहाल अगर हमारा ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो देखें तो 160 गीगावाट का है, इसको 500 गीगावाट तक पहुंचाना है 2030 तक। वैसे आप देख सकते हो कि सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, ऑफशोर विंड के लिए वहाँ पे पीएलआई स्कीम आने वाली है। साथ में सरकार जल्द ही टेंडर निकालने जा रहे हैं विंड एनर्जी के लिए, तो इसका फ़ायदा सुजलोन को मिलने वाला है। जल्द ही सुजलोन में बड़ी तेज़ी आ सकती है। वैसे भी सुजलोन को सरकार की तरफ से बेल आउट पैकेज दिया गया है, सुजलोन का जो भी कर्जा था वो सारा का सारा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है और सभी बैंकों को फ्री कर दिया गया। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये राहत के द्वार खोले जा रहे हैं उससे आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी आएगी और साथ में सुजलोन का भी भला होता है वो दिखाई देगा। और नतीजा ये रहा कि आज काफ़ी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खरीदारी की है। आप देख सकते हो कि बाज़ार की शुरुआत में 9:54 पर 9.30 की प्राइस से 12,67,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में खरीदारी का दौर शुरू हुआ। आप देख सकते हो 11:37 पर 9.10 की प्राइस से 21,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 11:39 पर 9.15 की प्राइस से 10,00,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई, यानी आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है। फिर अगर आप देखें तो 2:22 पर 9.15 की प्राइस से 14,64,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो 3:02 पर 9.20 की प्राइस से करीब 15,27,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो काफ़ी बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि अब बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी करें। जो माल बेचा जा रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, और पिछले दिनों हमने देखा है कि FII की तरफ से भी लगातार खरीदारी जारी है। कल FII बाज़ार में बहुत दिन के बाद उन्होंने सेल किया था और उसके पीछे वजह बनी थी बाज़ार में बड़ी गिरावट, लेकिन बाज़ार जिस तरह से रिकवर हुआ आज फिर FII ने बाज़ार में खरीदारी शुरू कर दी है, और इसीलिए आने वाले समय में हमें सुजलोन में भी बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है आराम से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, पिछले अगर हम 5 साल की यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखें सुजलोन की, तो आपको काफ़ी अच्छे आंकड़े दिखाई देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 साल के हिसाब से सुजलोन एनर्जी ने 11.76% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान अगर हम BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में 6.11% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है, और स्मॉल कैप इस दौरान 12.46% दौड़ा है। तो यहाँ पे लूज़र 5 साल के हिसाब से आपको सुजलोन दिखाई देगा। 3 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो सुजलोन एनर्जी ने 42.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 19.79% दौड़ा, और यहाँ पे स्मॉल कैप 31.97% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे विनर आपको सुजलोन एनर्जी दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो सुजलोन एनर्जी ने 40.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 17.62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE स्मॉल कैप की तरफ से 6.67% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपको विनर सुजलोन एनर्जी ही दिखाई देगा। अगर हम 3 महीने के हिसाब से परफॉर्मेंस देखें तो सुजलोन एनर्जी ने करीब 10.24% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 18.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और BSE स्मॉल कैप ने 19.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर BSE स्मॉल कैप है, और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो BSE इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा नंबर सुजलोन का है। अगर हम बात करें 1 महीने के हिसाब से तो सुजलोन एनर्जी ने 21.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इस दौरान BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 6.71% दौड़ा है, और BSE स्मॉल कैप की बात करें तो 7.19% की तेज़ी देखने को मिली है। तो 1 महीने के हिसाब से फिर से आपको यहाँ पे विनर सुजलोन ही दिखाई देगा। 1 साल की पूरी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो -10% है अभी फिलहाल, और BSE इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौरान 13.64% दौड़ा है, और BSE स्मॉल कैप 1.54% दौड़ा है। तो यहाँ पे लूजर आपको सुजलोन दिखाई देगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि सुजलोन काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। इसकी प्राइस आपने देखी होगी 2 साल पहले जब कोरोना काल आया था, ये मात्र 1 रुपये के आसपास था, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, और आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके इसमें बने रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।